मोदी सर ने मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की दलील सुनने के बाद सूरत सेंसर कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं किया गया। उनका बयान अपमानजनक नहीं था। राहुल गांधी का कोर्ट में पक्ष रखते हुए उनके वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं। उन्होंने मोदी सरनेम बहुत बाद में ग्रहण किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अब बड़ा सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे या नहीं। राहुल गांधी के वकील अभिषेक ने जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल कोई कुख्यात अपराधी नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है। गौरतलब है कि सूरत सेंसर कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। वहीं पूर्णेश गांधी की तरह सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ढेर सारे सबूत उपलब्ध है। आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात के पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने न्यायालय से कहा कि राहुल गांधी को सजा से छूट नहीं दी जानी चाहिए। ज्ञात हो कि 23 मार्च 2023 को सूरत सेंसर कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और उन्हें जमानत देकर ऊपरी अदालत में अपील करने की इजाजत दी थी। पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में राहुल गांधी द्वारा दी गई विवादित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।